भला घूमना फिरना किसको पसंद नहीं होता। घूमने के लिए लोग ऑफिस में झूठ बोलकर छुट्टी भी ले लेते हैं। अब छुट्टी ले ली और घूमने का प्लान भी बन गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंड मोमेंट पर प्लान कैंसिल हो जाता है और वो रीजन होता है सही जगह के कंफ्यूजन को लेकर। वैसे तो घूमने के लिए हर महीना बेहतरीन होता है, लेकिन अब महीना चल रहा है अक्टूबर का, जिसमें हल्की गर्मी और हल्की सर्दी रहती है। कोई ना कोई जगह अक्टूबर के महीने को घूमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। इस मौसम में गर्मी काफी कम हो जाती है और घूमने के लिहाज से मौसम सुहाना रहता है। हम आपको अक्टूबर के महीने में घूमने के लिए कुछ बेस्ट जगहों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता के बारे में। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आप कोलकाता घूमने जा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में यहाँ धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा का महोत्सव यहाँ करीब एक सप्ताह तक चलता है। इसके अलावा आप यहाँ निक्को पार्क, विक्टोरिया मेमोरियल, काली घाट में कालका मंदिर और बेलूर मठ जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। अब जानते हैं दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग में पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। पश्चिम बंगाल स्थित इस जगह को भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माना जाता है। अक्टूबर के महीने में घूमने का सुखद अनुभव आपको यहां से वापस नहीं लौटने देगा। यहां आकर आप नायडू पार्क, जूलॉजिकल पार्क, रॉक गार्डन, पीस पगोडा, टाइगर हिल, घूम मॉन्टेसरी, सेंट एंड्रयू चर्च और सिंगालीला नेशनल पार्क देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगरा की। दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाने वाला ताजमहल इसी शहर में स्थित है। यमुना नदी के तट पर बने ताजमहल का नाम दुनिया के लगभग हर इंसान की ट्रेवल लिस्ट में होता है। आगरा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर का होता है। आप यहां ताजमहल के अलावा आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद, मेहताब बाग, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे फेवरेट जगह ऋषिकेश के बारे में। अक्टूबर के महीने में ऋषिकेश घूमने का अलग मजा होता है। यहाँ गंगा नदी के किनारे पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ जाकर आपको काफी फ्रेश और रिलैक्स महसूस होगा। यहाँ पर आप कई तरह के एडवेंचर भी कर सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जान के पुल, नीरगढ़ झरना, ऋषिकुंड, स्वर्ग आश्रम, बीटल्स आश्रम और त्रिवेणी घाट यहाँ आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अब बात करते हैं हम्पी के बारे में। कर्नाटक के हम्पी शहर का नाम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है। यह शहर अपने प्राचीन मंदिर, स्मारक और अखंड रचनाओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐतिहासिक इमारतों को एक्सप्लोर करने के लिए हम्पी एकदम सही जगह है। यहाँ आप विरूपक्षा मंदिर, विजय विठल मंदिर, हनुमान मंदिर, नदियों के किनारे स्थित खंडर, क्वींस बाथ और लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसी जगहों पर जा सकते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।